सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फॉर बिगिनर्स के लिए। फ्रेंड्स, हम कोई भी ड्राइंग या पोर्ट्रेट बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आउटलाइन का ही होता है। सभी आर्टिस्ट अपनी अपनी डिफरेंट तरीके से आउटलाइन बनाते हैं। हम ड्राइंग या पोर्ट्रेट में अच्छे से आउटलाइन बना ले तो हमारा 50% वर्क ऐसे ही कम्प्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आउटलाइन का ही है। मैं आज आउटलाइन बनाने के लिए ग्रिड मेथड का यूज़ करूँगा क्योंकि उसमें हमारे ड्राइंग एकदम से परफेक्ट बन जाता है। सो आर्टिस्ट, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, आज मैं श्रद्धा कपूर का फोटो ड्रॉ करने वाला हूँ। आप जो भी ड्राइंग या फोटो ड्रॉ करने वाले हो उसका उसी साइज का जेरोक्स निकाल लो जो साइज आप ड्रॉ करने वाले हो, जैसे कि A1, A2, A3, A4। मैंने आज A4 साइज़ का ड्रॉ करने वाला हूँ तो मैंने A4 साइज़ का जेरोक्स करके रखा है, क्योंकि सेम साइज़ का जेरोक्स होने से हमारा ड्राइंग कितना परफेक्ट है वो पता चल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी मिस्टेक हो वो हमको इजीली पता चल जाता है। आपको सबसे पहले जेरोक्स पे ग्रिड ड्रॉ करना होगा, जिसमें 2.5 सेंटीमीटर से गैप से चारों तरफ मार्क लगा रहा हूँ। आप जितना भी डिटेलिंग वर्क करना चाहते हो उतना छोटा ग्रिड बना सकते हो। 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर के गैप से ग्रिड बना सकते हो। मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि छोटी ग्रिड बनाओ क्योंकि उसमें ड्राइंग परफेक्ट बनती है। फ्रेंड्स, हमें चारों तरफ एक जैसे ही गैप से मार्क करना होगा, वरना हमारी ड्राइंग परफेक्ट नहीं बनेगी। हम आमने सामने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मार्क किया है वो हम जोड़ देंगे। ग्रिड बनाने के बाद हम उसमें 1, 2, 3 ऐसे मार्क कर लेंगे। अब जैसे हमने जेरोक्स पेपर पे किया है वैसे ही ग्रिड हम हमारी ड्राइंग पेपर पे बना देंगे। फ्रेंड्स, हम ये जो जेरोक्स यूज कर रहे हैं उसी तरीके से हम फोन में भी ग्रिड बना के उसे भी यूज कर सकते हैं। आपको साइड में मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो उसमें ग्रिड कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन में ड्राइंग ग्रिड मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ये गूगल प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। आप उसमें पहला ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना जो ड्राइंग या पोर्ट्रेट हो वो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करते ही हमें ये ग्रिड बनी हुई मिल जाएगी, लेकिन ये ग्रिड स्क्वायर में नहीं है, हमें स्क्वायर में चाहिए, इसलिए हम स्क्वायर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देंगे। और जितना आप ग्रिड बनाना चाहते हो उतना इस पर काउंट डाल देंगे, जैसे कि मैं 8 डाल रहा हूँ तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रिड बना हुआ आ जाएगा। तो हम इसे सेव करने के लिए सेकंड ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देंगे। तो सेम यही फ़ोटो हमारी गैलरी में आ जाएगा। तो इसी मेथड से आप अपने फ़ोन में फ़ोटो को यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप जेरोक्स का ही यूज़ करो क्योंकि उसमें हमारा ड्राइंग परफेक्ट बनेगा और उसमें हमारी जो भी मिस्टेक होती है वो सब इजीली दिख जाती है और हम उसी के अकॉर्डिंग हमारी ड्राइंग भी बना सकते हैं। फ़ोन में हमें जूम इन जूम आउट वो करना पड़ता है और उसमें हमारी मिस्टेक भी इजीली नहीं दिखती है। आप ड्राइंग पेपर पे ग्रिड बनाने के लिए लाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि HB 2B या फिर मैकेनिकल पेंसिल हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करता हूँ। मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप भी मैकेनिकल पेंसिल ही यूज़ करो क्योंकि उससे हमारा ड्राइंग एकदम लाइट बनता है। अब हम बॉक्स को ऑब्जर्व करके ही ड्रॉ करना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 हॉरिजॉन्टल और 1, 2, 3, 4 वर्टिकल। तो हम ऐसे ही गिन के, ये बॉक्स में आइस है तो वैसे ही हम ड्राइंग पेपर पे गिन के ही आइस ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और हमें बिल्कुल ही लाइट ड्रॉ करना है। बस आप इसी तरह बॉक्स को ऑब्जर्व करके ड्राइंग पेपर के बॉक्स में भी ड्रॉ करना है।
ऐसे ही ड्रॉ करने से हमारे ड्राइंग परफेक्ट बन जाएगी। और थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी मैटर करता है, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो ड्रॉ करने के लिए या शेडिंग के लिए। ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आउटलाइन और शेडिंग का ही होता है। पहले तो आप परफेक्ट आउटलाइन होने से पोर्ट्रेट का शेप एकदम सेम ही आएगा, बट उसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। बस आप ऐसे ही ड्रॉ करें और अपनी ड्राइंग की आउटलाइन बना सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप कोई भी ड्राइंग या पोर्ट्रेट बनाने के लिए इसी मेथड का यूज़ करें, क्योंकि इसमें कोई भी डिटेलिंग वर्क भी बना सकते हैं, ऐसे ही रियलिस्टिक भी ड्राइंग कर सकते हैं। मैक्सिमम आर्टिस्ट इसी मेथड का ही यूज़ करते हैं, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और फोकस करना होगा, उससे ही आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो सकती है। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न किया होगा। इफ़ यू लर्न इन दिस वीडियो सो लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो का हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे, तो स्टे कनेक्टेड इन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।